राम का भव्य कार्यक्रम है वहाँ पे। यहाँ के सुजानगढ़ के लोग कुछ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहूँगा, प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मुस्लिम वर्ग कैसे लेते हैं इसकी बात को बताएं। मेरा नाम शकुर सब्जी परोस मन्नत पार्षद भूतपुर हूँ। मेरा यही निवेदन है सुजानगढ़ के या पूरे देशवासियों को, राम जन्मभूमि के अवसर पर अपना प्रोग्राम अच्छी तरह से करें, सब साथ में है उसके। ऐसे में वहाँ पे मस्जिद भी बनने वाली है, क्या कह रहे हैं ना? उसका भी बहुत बढ़िया शुक्रिया है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, हमारे जो मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं वो। और सभी प्रदेशवासियों को मैं यही कहता हूँ, देशवासियों को, कि भाई राम मंदिर के निर्माण के अंदर मदद करें सब। बहुत शानदार सबके। आप पार्षद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 22 तारीख को पूरे देश में एक माहौल है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान श्री राम वहाँ पे विराजेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी मुस्लिम वर्ग के होने के नाते? जैसे राम की अयोध्या है तो राम का ही है वो, तो और पूरा विश्व ही राम का है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें हम लोग भी ये चाहते हैं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़। ऐसे में राजनीति कौन कर रहे हैं? राजनीति तो बस विपक्ष पार्टी कर रही है। राम सबका है, विश्व में जन्मदाता राम है, तो उनका खिलाफ करना या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन ये राजनीति होती है ना वो गलत। ऐसे में पूरे देश में शांति का माहौल भी है, किस तरह से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माहौल शांति का है क्योंकि राम की प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें माहौल खराब क्यों होगा? एक धार्मिक कार्यक्रम होगा, सब धर्म के सब मिल के काम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों की आस्था है और सब मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं, इसलिए राम की प्रतिष्ठा हो रही है उसमें कोई सच्चे की बात नहीं। ये थे हमारे बीच में, एक और है मुस्लिम वर्ग से पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर स्थापित होने वाला है 22 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, ये त्यौहार है, त्यौहार की तरह मनाए और स्वागत करते हैं आप मंदिर बनने का। ये थे हमारे बीच में, एक और है पार्षद मुकुल मिश्रा, इनकी भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है अयोध्या में, बताएं। राम मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर निर्माण में सभी लोगों का योगदान रहा है, किसी का प्रत्यक्ष रूप से, किसी का अप्रत्यक्ष रूप से। और राम तो पूरे विश्वव्यापी है, राम नाम है, पर इसमें कोई तरह की राजनीति नहीं होके एक भावना, शुद्ध भावना होनी चाहिए कि भी राम मंदिर को मन से स्वीकार करना चाहिए कि भी राम मंदिर बन रहा है। ये थे सुजानगढ़ के लोग, जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के भी लोग थे और यहाँ पे कुछ और भी लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि 22 तारीख को, जनवरी को, ऐतिहासिक दिन है पूरे देश में, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका लोग भी स्वागत करते हैं और सुजानगढ़ के मुस्लिम वर्ग भी स्वागत कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बता रहे हैं कि बड़ा शुभ दिन है इस दिन देश में दिवाली मनाने का। भारत एक्सप्रेस से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।